और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जो अकेले ही कोरोना के कहर के मामले में राष्ट्र पर भारी पड़ रहा है। जिस वक्त आप अपना पसंदीदा न्यूज शो इंडिया चाहता है देख रहे हैं, उसी वक्त महाराष्ट्र में सब कुछ बंद हो चुका है और यह सब उस चेन को तोड़ने के लिए है जो कोरोना को बढ़ाती है। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया है, लेकिन जरूरत की कुछ चीजों को खुला भी रखा है। इसमें जरूरी सेवाएं की चीजें खुली रहेंगी, लेकिन दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा, लेकिन थिएटर्स बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जिम और स्पोर्ट्स सेंटर बंद रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे, लेकिन फिल्में देखने आप नहीं जा पाएंगे। वैसे ही बैंक भी खुले रहेंगे, लेकिन धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। उद्धव सरकार ने लॉकडाउन जैसे कड़े शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया जिससे लोगों में एक डर भर जाता है, लेकिन तैयारी वैसी ही की है ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। ऐसे में दिक्कत उन लोगों की होती है जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। इसके लिए सरकार 7 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देगी। गरीब लोगों को 1 महीने तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल इन लोगों को मिलेगा। अगले 1 महीने तक शिव भोजन मुहिम के तहत 2 लाख लोगों को खाना भी मुफ्त दिया जाएगा। निराधार योजना वाले 35 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये पेंशन पहले ही दे दिया गया है। राज्य में रजिस्टर्ड घरेलू कामगारों को भी सहायता दी जाएगी। रजिस्टर्ड फेरी वालों को 1,500 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। रिक्शे वालों को एक बार में 1,500 रुपये की भी रकम मिलेगी। रियल इस्टेट में काम करने वाले मजदूरों को भी 1,500 रुपये की मदद राज्य सरकार करने वाली है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि कोरोना विस्फोट को थामा जा सके, लेकिन महाराष्ट्र की हालत वाकई में बेहद खराब है। एकदम काही लॉकडाउन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश आहेत। महाराष्ट्र में लोकतंत्र के नाम पर इन्होंने लोकतंत्र लगाया है। कोरोना की काली रात की सुबह होगी कि नहीं, जब महाराष्ट्र में एक दिन में 60,000 से ज्यादा कोरोना केस आने लगे तो सोचिए हालात कैसे हुकूमतों के और आपके हाथ से फिसल रहे हैं। तो फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, नाम बदल गया लेकिन हालात लॉकडाउन वाले ही रहेंगे। ये निर्बंध आहेत ते असे आहेत कि उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही श्रृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। कोरोना के आगे महाराष्ट्र के बाकी सारे हथियार फेल हो चुके हैं। राज्य में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है, मरीजों को बेड मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। तेजी से बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। आज रात से घरों पर धारा 144 का पहरा लग गया तो उससे पहले लोग बाजार में जरूरी सामान खरीदने निकले, भीड़ हुई तो हुई। महाराष्ट्र में देश के कोरोना केसों के 25% केस हैं। महाराष्ट्र में देश की कोरोना मौतों की 34% मौत हुई है। कोरोना के चलते हालात खराब हैं, वहीं लॉकडाउन से आफत की आशंका है। यही वजह है कि महाराष्ट्र बीजेपी इस फैसले के खिलाफ नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार को हम पूछना चाहते हैं, आप सिंहासन पर बैठ करके अपने दायित्व का निर्वहन करोगे या लोगों की इस प्रकार से जो मौत हो रही है वो मौत नहीं है, वो हत्या है, कसाई का काम करोगे, यह आपको तय करना है। उद्योग जगत भी कड़े प्रतिबंध लगाने के फैसले से नाराज है। उद्योग जगत कह रहा है कि सरकार उनका भी ध्यान रखे। फिल्म जगत भी नुकसान की आशंका से सहमा हुआ है। आप लॉकडाउन कर रहे, चलो हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री आज एक तरफ, फिल्म इंडस्ट्री पूरा उद्योग खत्म हो चुका है। आपने बात की ऑटो वाले की, बात की आपने बिल्डिंग विभाग की, बात की, फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों का क्या?
जब बीजेपी आरोप लगाए तो सरकार कैसे चुप रहे? कोरोना से लड़ाई तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई भी तो कोई चीज होती है भाई। तो सेंटर से मिलने वाली वैक्सीन का मुद्दा शिवसेना ने उठा दिया। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़पट्टी धारावी में सबको वैक्सीन लगाने की मांग कर दी। धारावी को वैक्सीन लगाने से क्या पूरे महाराष्ट्र का कोरोना भाग जाएगा? मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहर कोरोना की चपेट में हैं और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ही लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने तब सख्ती क्यों नहीं दिखाई जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था? अब एक तरफ मजदूरों पर मार है तो दूसरी तरफ खजाना खाली होने से महाराष्ट्र खुद बेहाल हो जाएगा। सख्ती से लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया गया है। उम्मीद कीजिए और दुआ भी कीजिए कि सख्ती से कोरोना का भूत भागे, क्योंकि ब्रेक द चेन के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। देश की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 16% की है। महाराष्ट्र कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स का मानना है कि एक महीने में लॉकडाउन से महाराष्ट्र को 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ी मार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने वाली है। वैसे ये कोई जरूरी नहीं कि सख्त कर्फ्यू लगने से कोरोना के वायरस बिल्कुल नहीं फैलेंगे, वो फैल सकते हैं लेकिन तब आशंका कम हो जाती है। आपको याद होगा कि पिछले साल 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था। अब जबकि महाराष्ट्र अगले 15 दिनों के लिए घुमा फिराकर लॉकडाउन जैसी स्थिति में ही चला गया है, तो हम देख लेते हैं कि पिछली बार 15 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति थी। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। 25 मार्च 2020 को महाराष्ट्र में 116 केस थे और मौत केवल 3 हुई थी। लॉकडाउन के 15 दिन बाद 9 अप्रैल 2020 को ये केस बढ़कर 1,135 हो गए थे और मौत का आंकड़ा बढ़कर 72। और अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले साल 25 मार्च को कुल मामले 562 थे और मौत थी 10। 15 दिन बाद 9 अप्रैल को केस बढ़कर 5,865 हुए और मौत हो गई थी 100।